Oh, that's little amp Are you excited, Ittusa? Yes. You ran up? but chill okay excellent here uh, ah, Are you okay? Uh, nice. <laughs> <laughs> yes! Let's go! एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी, भी बिल्कुल ठीक हूँ अलहमदुल्ला और आज का दिन बहुत ही स्पेशल था हम लोगों के लिए हम सब के लिए मेरे हस्बैंड मेरे बेटा और मेरे लिए भी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और कुछ स्पेशल ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता और बहुत ज़्यादा हम लोग को इंतज़ार था इंडिया पाकिस्तान के मैच का लेकिन सारा जो है उल्टा पुल्टा हो गया और बहुत ही ज़्यादा हम लोग डिसपॉइंट हुए और सबसे ज़्यादा तो ना मेरा बेटा बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हुआ है क्योंकि जो है ना वो इतनी शौक़ से देखता है मैच वो कोई सा भी मैच हो वो चाहे किसी भी टीम का मैच हो वो बहुत ज़्यादा शौक से देखता है और इंडिया पाकिस्तान का हो तो वो तो सारे ही आपको पता है सभी लोग इतना शौक़ से देखते हैं तो लेकिन जो है ना फिर जब एक जब सबसे पहले जब फर्स्ट आउट हुआ ना पाकिस्तान में तो इरतजा तो बस बहुत ही मायूस हो गया था और ना अपना आईपैड लेके गेम खेलना शुरू कर दिया था उसने और हस्बैंड भी उठ के चले गए थे वरना स्टार्टिंग में आप लोगों ने देख ही लिया कितने ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए थे फिर इन लोगों की सारी एक्साइटमेंट जो है ना ख़त्म हो गई थी बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपसेट हो गए थे और पता है हस्बैंड तो ना मेरे नाइट करके आए हुए थे जॉब जो, जो है नाइट करके आए थे तो वो तो फिर भी जो है ना सुबह ही उठ गए थे बच्चे भी सारे उठ गए और बस फिर हम लोग जो है ना नाइट ड्रेसों में ही थे सारे और मैच इन्जॉय करने लग गए थे फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो थोड़ा सा स्पेशल जो है ना ब्रेकफास्ट बनाया जाए और उसके लिए मैं जो है यहाँ पर तैयारी करने लग गई थी वगैरह की और लास्ट में जितना अच्छा प्ले किया था और अब्दुल्ला ने सबसे ज्यादा अच्छा प्ले किया था लास्ट में जो हुआ था लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ खैर एनी वे जब भी हम इन लोगों से ज्यादा अपनी उम्मीदें लगा लेते हैं अपनी टीम से तो वो तभी जो है ना हम लोगों को मायूस कर देते हैं खैर मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर देती हूँ मैंने हलवा पूरी बनाई इतनी मेहनत की मूड भी बहुत ख़राब हो गया था लेकिन बच्चों को अगर कुछ बोल दिया जाए कि बेटा आज मैं स्पेशल आपका ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ तो फिर वो या तो कहीं जाना हो या कोई घर में आने वाला हो तो फिर वो बच्चे पका के रख देते हैं कि मम्मी आप तो आज हलवा पूरी बनाने वाली हैं तो बस मैंने चनों के लिए पहले चनों का सालन बनाऊँगी तो उसके लिए मैंने प्याज ब्राउन करने रख दी थी उसके बाद मैंने सोचा जितने प्याज ब्राउन होती है तो मैं आलू की तरकारी लेती हूं। तो आलू की तरकारी के लिए मैंने शान का पैकेट और बहुत ही ईज़ी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इतनी मुश्किल नहीं है कि काफ़ी पुराना पैकेट ला के रखा हुआ था मैंने ये आहिल ओपन भी कर दिया था तो बस यहाँ पे आलू की तरकारी में सिर्फ आलू चाहिए होंगे और ये पैकेट शान का बस और बाकी ये बहुत टेस्टी बना था आलू की तरकारी बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी ना बस ऑयल ऐड करें थोड़ा सा इस थोड़ा सा इसके अंदर अच्छा साथ साथ ना मैं दोनों चीज़ों की रेसिपी बताती जाऊंगी क्योंकि मैंने प्याज भी ब्राउन करने रखी हुई है तो इस वजह से बाकी मैं प्याज ब्राउन हल्की हल्की होगी तो इसलिए मैंने इसमें ज़ीरा साबुत ज़ीरा भी ऐड कर दिया है और आलू की तरकारी में भी मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी ऑयल में और फिर उसके बाद जो है ना हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मैंने ना मशीन में ना चादरें वगैरह भी डाली तो मशीन की भी आवाज़ आ रही होगी आपको साथ में पीछे से तो बस और अभी यहाँ पे थोड़ा सा जीरा ब्राउन हो गया है तो उसमें मैं आलू की तरकारी के लिए जो मैंने शान का पैकेट बताया है वो मैंने ऐड कर दिया है और पूरा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि थोड़े से आलू हैं अच्छा आलू ना मैंने बॉयल नहीं किए थे अगर आप चाहें तो बॉयल करके भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने बॉयल नहीं किए थे मैंने वैसे ही पीसिस करके छिलके उतार के आलू के और इसी तरह क्योंकि मैंने कहा जब इसमें पानी ऐड करूँगी तो आराम से यहाँ के ना आलू और चिकन बहुत जल्दी गलती है यूके में तो बहुत ही ज़्यादा जिन लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आलू भी बहुत जल्दी गल जाते हैं और चिकन बहुत ही जल्दी गल जाती है अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर और फिर जो है ना हाँ मैं आपको बताने वाली थी कि जो है ना इत आहिल की इतनी तबीयत खराब है आ, उसको थर्सडे वाले दिन वोमिटिंग हुई थी फिर उसके बाद उसको ना ऑन ऑफ़ ऑन ऑफ़ टम्परेचर हो रहा है बहुत ज़्यादा ना तो अभी अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा बेहतर है आज तो आज जैसे संडे में वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आज तो ठीक है वरना बहुत ज़्यादा उसको ना टम्परेचर होता है क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है ठंड हो रही है अब पता है और एकदम ही ठंड शुरू हो गई है इतनी ज़्यादा दोपहर मतलब धूप तो है लेकिन ना बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो खैर अब वो पता है आखिर ना दवाई भी नहीं पीता इतनी मुश्किल से उसको दवाई पिला रहे हैं ज़बरदस्ती भी पकड़ के होल्ड करके अच्छी तरीके से दवाई पिला रहे हैं लेकिन वो भी वो निकाले जा रहा है तो बस बाकी जो है मैंने आलू के अंदर जो है ना मसाला भूनने के बाद फिर मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया था अब इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि ये गल जाए आलू अच्छे से तो उसके बाद हम चनों का सालन जो है बना लेते हैं अच्छा प्याज ब्राउन हो गई है अब इसमें मैंने अदरक जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर ऐड करेंगे टमाटर के ना मैं छिलके उतार के यूज़ करती हूँ क्योंकि ना पिल ऑफ कर लेती हूँ टमाटरों के क्योंकि मैं हमेशा कोई भी सालन बनाती हूँ मैं टमाटर के छिलके उतार लेती हूँ बच्चे क्योंकि अगर वो साबुत साबुत साबु मसाला आता है ना टमाटर के जिस जो छिलके आते हैं मसाले के अंदर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और बच्चे भी फिर ना अजीब ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं खाना खाने में तो इस वजह से मैं जो है ना एक ये वाला काम करती हूँ और अभी आगे चल के और बताऊँगी कि मैं आपको एक दूसरा काम क्या करती हूँ ताकि मसाला साबुत नहीं रहे इतने यहाँ पर टमाटर और प्याज थोड़ा सा भुन रहे थे तो मैंने उसके चिक पीस जो है ना उसको मैं ओपन करने लग गई थी और यहाँ पर मैं अब मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हम चने के सालन के अंदर और थोड़ा सा जो है ना ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा अच्छा मैंने गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया है और बाकी धनिया पाउडर ये सारे जो भी मसाले होते हैं वो सब मैं ऐड कर दूँगी और कुटी हुई मिर्च नहीं ऐड करूँगी इसके अंदर कुटी हुई मिर्च में वैसे भी ना क्रश चिल्ली जो है ना मैं वैसे भी बहुत कम यूज़ करती हूँ खानों में अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी अच्छे से इसको भून के और फिर इसको जो है मैं अब अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूंगी सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको फिर दोबारा से हम अच्छा सा थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला लगे नहीं थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे बस ज़्यादा नहीं ताकि वो भी इस वजह से कि मसाला हमारा जले नहीं अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद वो जो मैं बोली थी आपको दूसरा काम मैं ये करती हूँ कोई भी मैं मसाला बना कोई भी मैं सालन बनाऊँ या दाल वगैरह बनाऊँ तो मसाले को ना ये मैं इस स्पून से जो है ना अच्छे तरीके से मैश कर लेती हूँ ताकि प्याज टमाटर ये जितने भी होते हैं ना ये साबुत साबुत अगर सालन में आए तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाना खाते उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता तो इसलिए मैं ये दो मिनट भी नहीं लगते इसमें बस जल्दी से आप जो है क्योंकि टमाटर और प्याज ऑलरेडी सॉफ्ट हुए हुए होते तो हैं उनको इतनी अच्छी तरीके से भूनो तो बाकी ये मैंने चिक पीस जो है ना इसमें ऐड कर दिया अगर अच्छा कुछ लोग होते हैं इसको चनों को जो है ये बॉयल चने होते हैं इसके अंदर कुछ लोग होते हैं वो इसको बॉय वॉश कर लेते हैं पानी से लेकिन मैं नहीं वॉश करती क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वॉश करूँगी तो उसका वो सारा टेस्ट वगैरह निकल जाता है क्योंकि इसमें जो चनों का जो पानी होता है ना उसमें टेस्ट होता है अगर हम खुद से भी चने बॉईल करते हैं तो उसमें भी हम सोडा वगैरह डाल के ही बॉयल करते हैं नमक सोडा वगैरह लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है जब आपका किसी बात को दिल नहीं माने तो फिर आपको मतलब वही करना चाहिए जो आपका दिल करे लेकिन यह कि मुझे कोई इतना वो नहीं होता क्योंकि खाना हम लोग इतना ज़्यादा पका लेते हैं उसको पका पका के उसका जो है ना मतलब इतना ज़्यादा हम उसको कुक कर लेते हैं तो उसमें से अगर कोई जम्स होते भी हैं तो वो सारा हीट हीट से जो है ना वो सब जम्स मर जाते हैं बाकी यहाँ पे आलू में चेक कर रही थी आलू भी काफ़ी अच्छे से देखा गल गए थे तो मैंने थोड़ा सा पानी ड्राई करने के लिए आलू भी आ, आ, था, था, हाई फ्लेम पे जो है ना रख दिया ताकि थोड़ा सा वाटर जो है उसका ड्राई हो जाए बाकी चने का सालन भी मैंने उसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा और उसको भी मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया है उसके बाद जी बारी थी पूरीों का आटा गुनने की तो वो भी मैं गुनी मैंने मैदा ले लिया है मैदे के बाद मैंने आ, खाने वाला जो सोडा होता है वो जो हम पकौड़ा वगैरह में यूज़ करते वो ले लिया है लेकिन वो जो है ना ख़त्म हुआ हुआ था थोड़ा सा ही था तो वही मैंने डाल दिया बाकी मैं अब इसको अच्छी तरीके से गून लूँगी ऑयल ऐड किया थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया आटे के अंदर अब इसको अच्छे से हम इसको गूंढ लेंगे खूब दबा दबा के इसके अंदर हम मक्खियाँ मारेंगे आटे के अंदर और जो है ना थोड़ा सा अब ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर हम रख देंगे इतने हमारा आटा जो है ना रेडी होगा इसका पूरी का आटा हमारा इतना रेडी होगा और फिर उसके बाद ही हम जो है ना हलवा बना लेते हैं अपना और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ एकदम ये भी देखिए अभी आपने देखा होगा विंडो में जब मैंने दिखाया था बच्चियाँ जहाँ बैठे हुए इतनी इतना अच्छा वेदर था इतनी अच्छी धूप निकली थी और ये देखिए धूप के अंदर बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे जो है ना आलू की तरकारी रेडी होने वाली है बस अब हमें क्या करना है अब हमें आलूओं को थोड़ा सा मैश कर लेंगे हम ताकि जो है ना अच्छा ज़्यादा नहीं थोड़े थोड़े मोटे मोटे भी आलू छोड़ने होते हैं तो ये देखें और अच्छा मैं चाहती तो मैं बॉईल करके भी आलू इसके अंदर ऐड कर सकती थी लेकिन मैंने खुद ही बॉयल नहीं ऐड किए आलू क्योंकि ना वो आलू के अंदर ना अच्छा सा मसाला चले गया उसका ना जो हमने मसाले के साथ ही आलू कच्चे आलू डाले ना तो वो गलने के लिए तो ये देखें ये इस तरह मैश करने के बाद और बाकी हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मैं हल्का सा ज़्यादा नहीं जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप रख लें यहाँ पे हमारे छोलों का सालन भी रेडी हो गया है अब मैं हलवा बना लूँगी अच्छा बाकी जो है ना मसाले वगैरह की क्वांटिटी वगैरह वो आपको अपने हिसाब से ही ऐड करनी होगी जब भी अगर आप मेरी रेसिपी अगर मेरी रेसिपी बस से बनाएं तो आप अपनी ही क्वांटिटी रखिएगा क्योंकि है ना मैं कोई क्वांटिटी बताती नहीं हूँ क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता मैं वैसी बस घरेलू टाइप की औरत हूँ और जो है ना ऐसी आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही होती हूँ क्योंकि मैं कोई इतनी ख़ास कोई शेफ़ वेफ़ नहीं हूँ बस ऐसी है मैं ये आपके साथ जो है ना अपनी रूटीन वगैरह शेयर कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है मज़ा आता है तो बस बाकी जो है यहाँ पे अब मैं हलवा बना रही हूँ सूजी ले ली थी मैंने और यहाँ पे ये ऐसी येलो येलो टाइप की सूजी मिल रही होती है वाइट नहीं होती बिल्कुल तो बाकी वैसे सूजी ऐसी होती है मुझे भी नहीं पता यार हाँ ऐसी होती होगी और चीज़ें जो है ना बिल्कुल शॉर्ट थी और मुझे पता नहीं कौन सा दौरा उठा सुबह ही सुबह कि चलो आज मैच है इंडिया पाकिस्तान का और हलवा पूरी बना लेते हैं लेकिन हलवा पूरी के लिए जो है ना तो वो सुखाने वाला सोडा भी थोड़ा सा कम था और ना घी भी नहीं था घी भी बिल्कुल फिनिश हुआ हुआ था ये देखें डालडा का घी है और यहाँ पर ये आराम से मिल जाता है एशियन शॉप एश एशियन स्टोर वगैरह जो होते हैं ना बड़े वाले उधर से आराम से ये डालडा वगैरह का घी मिल जाता है और ऐसा घी है इतना मज़े की खुशबू आती है इसके अंदर कि मतलब ऐसा लगता है वाकई हम पाकिस्तान का घी खा रहे हैं और बाकी देसी घी वगैरह भी मिलते हैं तो देसी घी हम लोग तो नहीं खाते तो बच्चे भी नहीं लाइक करते तो इस वजह से हम डालडा वालाइए हम भाई जाली लोग हैं हम लोग ना नकली वाला हम घी खाते हैं डालटा का हमें अच्छा लगता है तो बस ये मैंने इसको निचोड़ी को निचोड़ छोड़ के जो भी निकला डब्बे के अंदर से बस वही मैंने ऐड कर दिया है और बाकी ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो मैंने बार बी ओबल वाले टाइम काट के रखा हुआ था वही बचा हुआ था वो थोड़ा सा ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से खूब अच्छा हलवे को ना जब अच्छे से आप भूनेंगे नहीं ना सूजी को तो तब तक कि वो बहुत मज़े का लगता ही नहीं है तो अच्छी तरीके से उसको भूनना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा तो बाकी अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी भूनने के बाद अब इसमें हमें ऐड करूँगी शुगर और शुगर मेरे पास व्हाइट वाली नहीं थी हम लोग ब्राउन वाली यूज़ करते हैं तो मैं ब्राउन वाली ही यूज़ कर रही हूँ और ना ये जो है अपने हिसाब से ही बस चेक कर लूँगी मैं कि अगर कम हुआ मीठा तो ऐड कर लूँगी अच्छा ये मैंने फूड कलर लिया था इसको वाटर के अंदर ही मैंने जो है ना इसको वो कर लिया है घोल लिया था और ना इसको भी अच्छे से भुनना है और फूड कलर ना इतना ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ना मुझे लग रहा था कि फूड कलर की वजह से थोड़ा सा ना नमकीन नमकीन टाइप का हलवा हो रहा था शायद मुझे तो फूड कलर की वजह से ही लग रहा है बाकी अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और ना वो जो पतला वाला नहीं बनता हलवा जो हलवा पूरी की दुकानों पर बिल्कुल पतला वाला मिलता है तो वो वाला पर बनाना चाह रही थी थोड़ा सा तो वो उस हिसाब से बाकी मेरे चूल्हों वगैरह की शक्ल पे मत जाइएगा क्योंकि चूल्हे बहुत ख़राब हो गए हैं और अभी हमारा घर भी चेंज करने वाला हो रहा है तो बस देखो अब हमारा घर कब चेंज होगा एक महीना दो महीना तीन महीने आई डोंट नो तो इन जैसे जैसे जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अब यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई ले ली थी और इसमें ऑयल एड कर दिया है अब मैं बनाने जा रही हूँ पूरियाँ और पूरियाँ जो है ना मुझसे पहले ही बता देती हूँ मैं देखें इंसान को ना सच बोलना चाहिए झूठ बोल के क्या फ़ायदा तो जो है मैं कभी भी आप लोगों से इन श्ला कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूँगी जो भी मेरी बात है जो भी है मैं अगर कोई बात नहीं बताना चाहूँगी तो नहीं बताऊँगी लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी ठीक है ये हमारी बात हो गई है आप लोगों से <laughs> और जो है ना यहाँ पे पूरियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी और ये मैं ना सेकंड टाइम बना रही हूँ फर्स्ट टाइम ही मैंने पूरियाँ बनाई थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी और ये सेकंड टाइम बना रही हूँ बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनी क्योंकि पता नहीं क्या मसला है पूरियाँ मुझसे अच्छी बनती ही नहीं है और साइज़ पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा छोटी बड़ी मोटी मतलब टेस्ट भी नहीं अच्छा लगा मुझे पूरी का ना तो आप बिल्कुल भी मेरी पूरी की रेसिपी फॉलो नहीं करिएगा अगर करनी हो तो चने वाली रेसिपी हलवा और आलू की तरकारी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बात सच है वो वाकई बहुत टेस्टी बने थे पूरियाँ ना मैं अभी ज़रा दो तीन दफ़ा घर में और ट्राई करूँगी फिर जाके मुझे बनाने आएगी अच्छा किसी दिन मैं अपने बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कितनी नालायक लड़की थी तो वो अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं शेयर करूंगी वरना मैं नहीं करूंगी भाई मैं नहीं बताऊंगी फिर अपने बारे में और यहाँ पे जी हमारा फाइनली रेडी हो गया था बच्चों को बहुत टिका के भूख लगी हुई थी साथ में मुझे भी लगी हुई थी और जो है ना अब यहाँ पे हम नोश फरमाएंगे अपनी हलवा पूरी और अच्छा एक सिस्टर ने जो है ना अभी देखें जाते जाते अच्छा हो मुझे याद आ गया मेरी लास्ट वीडियो पे उन्होंने कमेंट्स किया था कि आपने कौन से शर्ट की नेल पॉलिश लगाई है तो मैं उनको बता दूं कि ना उस मैं यहाँ पे बल्कि पिक्चर भी आपको दिखा देती हूँ कि ये वाली नेल पॉलिश है और ये मैंने प्राईमार्क से ली थी लेकिन ना इस नेल पॉलिश पे लिखा हुआ ही नहीं था रेड कलर है या आ, मतलब अनारी कलर है बेरी कलर है कौन सा कलर है कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो इस वजह से ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी पिक्चर जो है तो आप ये प्राईमार्क से ले सकती हैं वन पी वन पाउंड की मिल जाती है आराम से और अच्छा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ मेरा ये नहीं होता कि मैं कोई ब्रांडेड ही लूँ कोई भी चीज़ हो चाहे वो कपड़े हो मेकअप हो कुछ भी हो एनीथिंग चाहे वो बच्चों के कपड़े हो जहाँ से मुझे जो अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ तो जो है ना ये मैंने नेल पॉलिश ली थी मैंने कहा बाद में तो हटानी है बस इस पर ये लिखा हुआ था लॉन्ग लौंग, लॉन्गर लिखा हुआ था और जो है वन कोट और वाकई मैंने वन कोट ही लगाया था तो अच्छी लग रही थी डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी वरना मोस्टली जो है ना डबल कोट लगाना पड़ता है कुछ नेल पॉलिश में ना फिर वो जाके वो अच्छा कलर लग रहा होता है तो बाकी हमारी ये चाय भी रेडी हो गई है पकी हुई है हस्बैंड की और मेरी और बस यहीं पे मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और जिन लोगों ने अभी मुझे न्यू सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल तो उन सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और बाकी जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अच्छे व्लाग के साथ अपना रखिएगा वो सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद अल्लाह हाफ़